मेरे को आज जो है कि वीडियो में छाना है देश जो है कि बहुत अच्छा देश है। हमारे देश में ऐसे ऐसे झरने आते हैं, हम और पास जाते हैं, झरने के अंदर जाते हैं, अंदर से रोड कटी हुई है ना भाई लोग, तो हम और पास जाते हैं। तो भाई लोग आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो पे। तो भाई लोग आज मैं चलते चलते व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज हम कहीं घूमने जाने वाले हैं। रांची वाटरफॉल जा रहे हैं आज हम, तो काफ़ी दूर है गाड़ी में जाते, बट ऐसा है बीच में रास्ता ख़राब है तो पत्थर उत्थर गिरने का डर रहता है, तो शॉर्ट पकड़ के हम जा रहे हैं रांची वाटरफॉल पैदल जा रहे हैं। अभी बज रहे हैं 11 और वो है काफ़ी दूर, हम वहाँ करीब 1 बजे समथिंग पहुँचेंगे। अगर जल्दी जल्दी जाएंगे नॉन स्टॉप, अगर रुक रुक के जाएँ तो काफ़ी टाइम लग सकता है। पीछे पीछे भाई लोग हैं, सभी देख सकते हो यहाँ भाई लोग चल रहे हैं, और मैं पीछे से व्लॉग स्टार्ट करते हुए आ रहा हूँ। तो सीन भी काफ़ी बढ़िया है पीछे का, देख सकते हो मेरे पीछे का। और जो रांची वाटरफॉल है वो काफ़ी दूर है, बट वहाँ जो वाटरफॉल है ना वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी काफ़ी बढ़िया है, मतलब तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है वहाँ का। तो सोचा आज आपको वो दिखाएं, चलते हैं फटाफट बिना देरी करे। सो गाइस, अभी हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया है और सभी की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि अभी बज रहा है, टाइम हो रहा है 11 और आपको मालूम है जो दिन की धूप होती है 11, 12 और 1, ये इतनी तगड़ी धूप लगती है, ऐसे चुपती है ना, तो सभी की हालत ख़राब हो रही है, देख सकते हो जितने भाई लोग हैं। अभी हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया है, अभी हम टी वी टावर पर है जहाँ हम रोज़ घूमने आते थे वहाँ है, अभी तो काफ़ी दूर जाना है, अभी 2 पहाड़ हमें पार करना है चल के। तो भाई लोग, ये आपको सामने रोड दिख रही है जाने की, बट रास्ता वहाँ से देखो, वहाँ से ऐसा बैंड है रोड और इधर को आ रखी है जो आपको ये दिखेगा, बट हम जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट जा रहे हैं, बट हम जितना शॉर्ट है उससे ज़्यादा शॉर्ट जा रहे हैं, शॉर्ट पकड़ के देख सकते हो रास्ता यहाँ से रूडी रोड, हम पैदल जा रहे हैं सिर्फ आपके लिए, हालत ख़राब हो चुकी है भाई लोगों की, और देख सकते हो कैसा रास्ता है, हमें वो उधर ऊपर पहुँचना है इधर पे, तो चलते हैं यहाँ से। रास्ता है जीवन भाई, रास्ता निकाल रहा है, सभी लोग रास्ता निकाल लें, तो आगे को चलते हैं, बने रहिए भाई लोग, ये सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। भाई लोग, हम कैसे रास्ते से आए देख सकते हो, इतने घने घने झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, अगर अंदर से सांप वाप चल के डस भी देता ना, हमें पता नहीं लगता कि सांप ने डस के गया, इतनी घनी झाड़ियाँ हैं, पैर रखने की जगह नहीं है थी, इतनी घनी झाड़ियाँ। अभी हम इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं छाव में सभी लोग, और ये हमारी रूट है इसके बाद, और हमें अभी तो बहुत चलना है, अभी तो हमने आधा भी पार नहीं किया है यार भाई लोग, अभी तो बहुत है, ये दिख रहा है आपको, इसके पीछे जाना है, इससे भी पीछे जाना है, अभी ये पहाड़ से भी पीछे काफ़ी दूर है अभी, तो अभी हमने आधा भी पार नहीं किया है, पैदल इत्याफत आती है। तो फाइनली गाइज, हम पहुंचने वाले हैं रांची वाटरफॉल, यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, यहाँ से दिख गया, तो इतना पैदल चल के आए ना, इतना पैदल चल के आए ना भाई लोग, क्या बताएं, काफ़ी गर्मी हो रही है, परेशान, तो ये सॉरी जीवन भाई की हालत देख सकते हो, मैं तो थकान के मारे, थकान इतनी हो रही है, नाम भूल गया जीवन भाई का। यहाँ से पीछे का सीन देख सकते हो, और आपको मैं यहाँ से झरना दिखाता हूँ, यहाँ से झरना दिख रहा है रांची वाटरफॉल, काफ़ी प्यारा लग रहा है, वहाँ जाके तो और भी मज़ा आएगा, तो वीडियो बने रही है, वाटरफॉल दिखाता आपको। तो भाई लोग सामने देखो, ये है वाटरफॉल, हमें वहाँ पहुँचना है, अभी इतना और चलना है, देख सकते हो कैमरे में तो कम लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा है ये चलना भी अभी, तो हमें वहाँ पहुँचना है भाई लोग, वहाँ पहुँच जाएंगे ना, क्या मज़ा आएगा, आप सोच सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे पानी पीने के लिए रुके हैं, देख सकते हो डायरेक्ट पहाड़ों से आता है एकदम ठंडा पानी, इसके लिए ना हमें फ्रिज की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे गर्मियों में,
और वहाँ पे देख सकते हो आप एक खोला टाइप का दिख रहा है। तो अभी हम यहाँ पे नहाने वाले हैं, यहाँ पे तालाब है ना, झरना तो अभी काफ़ी दूर है, इससे इस पहाड़ के बाद झरना दिखेगा हमें। अभी हम यहाँ पे नहाने वाले हैं, तो यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे नहाने वाले हैं। पहले तो था पर अब पता नहीं है कि नहीं, चेक कर रहे हैं। तालाब होगा तो नहाएंगे, यहाँ पे नहीं होगा तो फिर आगे को झरने को चलेंगे, पर सबसे पहले पानी पी लेते हैं, पहाड़ों का ठंडा ठंडा पानी। तो फाइनली गाइस हमें तालाब मिल चुका है, ये है तालाब। अभी हम यहाँ नहाने जाने वाले हैं और यहाँ से सीन देख सकते हो कितना मस्त है ये। अभी हमें यहाँ रोड से नीचे जाना है और फिर उसके जो वाटरफॉल आएगा वो इस पहाड़ के बाद है वो वाटरफॉल। और व्यू चेक करो भाई लोग, यहाँ का ना व्यू देखो आप, कितना मस्त लग रहा है। तो अभी हम नीचे चलते हैं नहाने के लिए, फिर उसके बाद यहाँ से उधर जाएंगे। यहाँ भी फोटो शूट चल रहा है, देख सकते हो भाई लोग। तो भाई लोग हम तालाब में पहुँच चुके हैं, वो जीवन जा रहा है देख सकते हो। यहाँ हम थोड़ा फोटो खींचेंगे, थोड़ा नहाएंगे और इन्जॉय करेंगे, फिर उसके बाद वाटरफॉल के लिए जाएंगे। अभी आपको पानी की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट क्या करें, देख सकते हो सीन कितना बढ़िया है। फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपको सिनेमेटिक शॉट्स दिखाते हैं। तो गाइज अभी हमने यहाँ नहा लिया, इंजॉय कर लिया, अब हम निकल रहे हैं वाटरफॉल के लिए और आपसे वहीं पे मिलते हैं वाटरफॉल में। तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग, लास्ट बार सीन देखो ये, आपसे मिलते हैं वाटरफॉल में। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं, इतना थकान, इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना पैदल चलने के बाद हम पहुंचे हैं रांची वाटरफॉल। देख सकते हो मेरे पीछे ये इसके लिए लोग कहां कहां से नहीं आते भाई लोग, इसके लिए लोग कहां कहां से नहीं आते। आप भी आइए, घूमिए फिरिए, बहुत बढ़िया जगह है। आस पास का सीन देखिए, जो ऊपर टॉप का चढ़ना है ना वो तो काफी और भी अच्छा है, बट वो हमारा जहाँ घर है ना ऊपर, हमारा यहाँ गाँव है तो जहाँ हमारा घर है वहाँ से दिखता है ये टॉप का झरना। वहाँ से नीचे देखोगे इतना गंदा चक्कर आता है ना भाई लोग, बहुत गंदा चक्कर आता है। तो झरने के पास जाते हैं हम, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, रांची वाटरफॉल है। सो भाई लोग ये लोग आधे घंटे से इधर ही फोटो शूट करा रहे हैं, अभी तक झरने के पास नहीं गए हैं, अभी थोड़ी देर में जाएंगे, इनका पहले पूरा फोटो शूट कर लेते हैं, उसके साथ पास जाके आपको दिखाएंगे। ये टी शर्ट पहन ली, नंगा था ना इसलिए। सो गाइस हम पहुंच गए झरने के पास, देख सकते हो कितना ओपी लग रहा है यार, मजा आ गया यार, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अभी और आगे जाते हैं, अंदर को जाते हैं, झरने के अंदर से रोड है ना, तो उधर को चलते हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम बहुत ही नजदीक इसके झरने के, देख सकते हो रांची वाटरफॉल भाई लोग। अभी और आगे चलते हैं, मजा आएगा। पानी के छींटे जो है ना, जो भाई लोग यहाँ से नीचे का सीन है ना, मैं आपको यहाँ से नीचे का सीन दिखाता हूँ कैसा है। देख सकते हो भाई लोग कैसे पानी पड़ रहा है पत्थरों पे, अगर इस झरने के नीचे कोई जाएगा तो उसको कितने जोरों से लगेगी, ऊपर से पत्थर भी गिरता है, ऐसी बात नहीं है। तो झरने के नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। बाकी सीन देख सकते हो कितना प्यारा सीन है भाई लोग, यहाँ पे कृपया करके ना आए, अगर आए तो सेफ्टी से आए और बक्सी भी ना करते।
तो भाई लोग झरने के नीचे तो कोई नहीं जाता है, फोटो खिंचवाने सब यहीं पे आते हैं। हम और पास जाते हैं, झरने के अंदर जाते हैं, अंदर से रोड कटी हुई है ना भाई लोग, तो हम और पास जाते हैं। काफी प्यारा नजारा भाई लोग, जो पानी के छींटे हैं ना वो अभी यहाँ तक आ रहे हैं। नजदीक से देखो आप। तो भाई लोग अभी मैं झरने के अंदर हूँ, अंदर रोड में, देख तो पानी के छींटे यहाँ तक आ रहे हैं। मैं आपको पीछे का नजारा दिखाता हूँ, ये देखो भाई लोग पानी यहाँ तक आ रहा है, पानी पूरा झरना अंदर से ऊपर से गिर रहा है। उधर पे इतना मन कर रहा था इसको, तो बहुत फोटो खींच ली, बहुत वीडियो बना ली। अब हम चलते हैं यहाँ से, वरना बहुत भीग जाएंगे, पूरा ही भीग जाएंगे, काफी भीग गए हैं हम। ये तो और चले गया झरने में भीगने के लिए, काफी मजा आया इधर पे। कैसा लगा आपको वीडियो भाई लोग? मैं सिर्फ आपके लिए आया, देखो इधर आपके लिए आया, आपको व्यू दिखाना था तभी आया, सिर्फ आपके लिए आया, आपके प्यार के लिए आया मैं सिर्फ इधर। तो भाई लोग वीडियो को काफी प्यार दो अपना, ठीक है, फुल सपोर्ट करो भाई को अपने, इतना दूर पैदल चल के आया हूँ यार, एक लाइक तो बनता है यार, इतने दूर हम पैदल चल के आए हैं भाई लोग, एक लाइक तो बनता है। प्यार दो अपने भाई को, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो, और वीडियो को भी बहुत प्यार दो भाई लोग, और झरना देखो ना क्या मस्त है, आओ आप भी घूमने, काफ़ी प्यारी जगह है। सो भाई लोग अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया, आए तो बड़े आराम से थे, बड़े आसानी से पहुँच गए थे आज के समय, तो कोई दिक्कत नहीं हुई ज़्यादा, पर अब जाते समय जो दिक्कत होने वाली है ना भाई लोग, वो काफ़ी मतलब हालत खराब कर देने वाला है, जाते समय काफ़ी दिक्कत होने वाली है हमें, तो निकलते हैं हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाते हैं, क्योंकि धूप भी बहुत तेज है। धूप में आते समय तो नॉर्मली आए थे, जाते समय हालत खराब होने वाली है जाने में मालूम है, और भूख भी काफ़ी लग रही है, घर जाके खाना खाना है, आपको बस खाने की याद आ रही है, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से ढाटला मार्केट। तो भाई लोग चल चल के हालत ख़राब हो चुकी है, अभी हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया भाई लोग, और धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, नहीं चला जा रहा है भाई लोग, हालत ख़राब हो गई, और ऊपर से भूख भी कहीं गंदी लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा, पर क्या करें, आप तक वीडियो पहुंचा नहीं है, हमारे कैसे हाल है आपको दिखाने, परसान भाई से पूछते हैं कैसा लगा भाई? बहुत एकदम जन्नत अली थी, फिल्म पर जन्नत, आते समय तो आ गए थे आराम से, जाते समय हालत ख़राब हो रही है, बहुत तभी तो बहुत कालू को भेज दे, अभी तो बहुत दूर जाना है, आदर्श को भेज देते, ड्राइवर अंकल को भेज देते हैं, कालू को ड्राइवर अंकल को भेज देते हैं उसको, उसके आदर्श है कैसा लगा? हेलो, जैसे कि हमें यहाँ पे अच्छा लगा, और कभी आपको टाइम वाइम मिल जाए या कुछ भी मिल जाए तो इधर बहुत जाना, हट गए हट हट, देश जो है बहुत अच्छा देश है, हमारे देश में ऐसे ऐसे झरने हैं, ऐसे ऐसे पहाड़ है, वो तो ये पागल है, हटना है भाई मेरे को आज जो है कि वीडियो में छाना है जीवन भाई, आपको कैसा लगा?
हाँ बढ़िया नहीं लगा। बेकार है झरना। रांची गांव एकदम पवित्र गांव है, वहाँ तो देवती देवी देवता होगा वहाँ। इसलिए गांव बढ़िया लगा, मतलब झरना बढ़िया लगा और गांव बढ़िया लगा। गांव मेरा ही बढ़िया तो लगेगा। और अब जा चले जाओगे मैंने पैर दे रखी कैमरे में करना पड़ेगा। कैमरे में सबके सब शरीफ बन गए, चलना पड़ेगा। जोश आ रहा है, भगवान ने पैर दिए है। कैमरे में सबको जोश आ रहा है, ठीक है, चलना पड़ेगा। भगवान ने पैर दिए हैं, चलते हैं भाई। चल चल यार भाई, नहीं चला जा रहा है। कैमरे के पे सामने तो सभी के सभी पे इतनी हिम्मत आ रही है ना, इतना जोश आ रहा है कि भगवान ने पैर दिए तो चलना ही है और चल देंगे। और कैमरे के पीछे बताऊं भाई, यार चला नहीं जा रहा है यार भाई, भूख लग रही है यार भाई, यहीं पे बैठते हैं थोड़ा आराम करते हैं यार भाई, इतना लंबा रास्ता कैसे तय करेंगे यार, नहीं जाते हैं यार भाई, नहीं जाते हैं, आज यहीं पे बैठते हैं, ऐसे बोल रहे हैं पीछे कैमरे के पीछे। कैमरे के सामने तो हर किसी को जोश आ गया, बेइज्जती कराना नहीं चाहते ना, इसीलिए मेरी आवाज़ भी गला बैठ गया है मेरा यार बोलते बोलते। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे आपको ये रांची वाटरफॉल पसंद आया होगा, ठीक है, ये अपना गाँव है। सो फाइनली गए, जब भी हम घूम फिर के रूम पे पहुंच चुके हैं रांची वाटरफॉल घूम फिर के। पैदल गए, पैदल आए, आपने देखा है हालत ख़राब हो गई थी भाई, लोग आते समय बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं, बैठ के पहुंचे हैं। तो मेरा गला भी पूरे तरीके से बैठ चुका है और उम्मीद करता हूँ आपको रांची वाटरफॉल पसंद आया होगा। तो वीडियो को काफ़ी प्यार दे भाई लोग, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई लोग। अब आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।